भी कर रही हूँ, आज शहर भी कर रही हूँ। और मैं बस ये कहने आई हूँ आज के दिन कि आजकल अखबारों में चर्चाएं बहुत हो रही है कि आरती इलेक्शन कहाँ से लड़ेगी, आरती ये क्या कर रही है, आरती कभी कभी अटेली, कभी नांगल चौधरी, कभी कोसली, कभी नारनौल। अरे रेवाड़ी भूल गए क्या सब? तो मैं बस इतना कहना चाहती हूँ कि आरती का गांव रेवाड़ी में है, आरती रेवाड़ी से थी, रेवाड़ी से है और हमेशा रेवाड़ी से ही रहेगी। बाकी आप सबसे मिलना चाह रही थी, और अगर आप कह रहे हैं कि जगह छोटी पड़ गई, जी जगह बिल्कुल छोटी नहीं चाहिए, आपके दिल में जगह चाहिए, बस इतनी बात। मेरा ये मानना है कि पिछले 4 साल वैसे ही 2 साल तो कोविड के चलते गुजर गए, और पिछले 2 साल में अब मैं भी अपना सोच विचार कर रही हूँ कि क्या करना चाहिए। मगर मुझे बस ये मालूम है कि हमारे दक्षिण हरियाणा का जो वर्चस्व है, वो हमेशा कहते हैं ना, सरकार बनाती है दक्षिण हरियाणा के लोग, मगर अगर हम एक साथ नहीं रहेंगे तो ये जो थोड़ी इम्पोर्टेंस हमें मिलती है वो भी बिखर जाएगी। तो आने वाला वक्त बहुत ज्यादा जरूरी है हम सभी के लिए। व्हाई डू आई नीड अ माइक, मेरी आवाज ही काफी है। हमें बहुत जरूरी है एक हो के रहे, क्योंकि आने वाले वक्त में मेरे को ये यकीन है कि हमें जो हमारा हक है वो जरूर जरूर मिलेगा। हमारे वेस्ट समाज की जिला मैं अभी मूड है रहने का स्वागत करने के लिए, और आप भी जोरदार तालियों से स्वागत करते रहें। की ओर से धारा को प्रवाहित कर रही श्री श्याम सेवा श्रृंगार ग्रुप से भाई रवि भट्टेवाला जी और उनकी टीम सर गोयल जी भाई सभी आए, और बाबा श्याम रेवाड़ी मंडल की ओर से स्वागत करेंगे मंडल जी। थैंक यू। जिला की ओर से भाई कृपया अभिनंदन करें, स्वागत करें। रोटरी क्लब से राजू भाई जल्दी उनका राजू गुप्ता जी सभी स्वागत करें, और सभी पार्षद से मिलने के लिए सजन पार्षद। और दूसरी बात ये है कि लोग बोलते हैं शहर ग्रामीण, राव साहब ने क्या किया, लोकसभा का अपने उन्होंने रिप्रेजेंटेटिव बनाया है, जो सेंटर से करवा सकेंगे वो हमेशा करवाएंगे, और जितना करवा सकेंगे वो जरूर करेंगे। मैं इतना जरूर कहना चाहूंगी, मेरा बस ये मानना है कि कल मैं जहां से भी लड़ूं, मैं जो भी करूं, मैं हमेशा हमेशा रेवाड़ी के साथ खड़ी रहूंगी। और मेरे पिताजी ने मेरे को जब मैंने शूटिंग शुरुआत की थी, मेरी शूटिंग करियर की, मैं 18-19 साल की उम्र थी मेरी, तो उन्होंने मुझसे एक चीज बोली थी कि आरती तू इस परिवार ने सालों नाम बनाने में गुजार दिए, और नाम खराब करने में ना 2 सेकंड नहीं लगते, तो हमेशा ये याद रखियो कि तेरे साथ तेरे परिवार का नाम हमेशा चलता रहेगा, और तुम्हारे कर्म ऐसे होने चाहिए कि कभी हमारे ऊपर कोई लालचन ना लगे। तो मेरी पूरी आपसे ये है कि मैं हमेशा कर्म के रास्ते पे चलूंगी, और जो सही है वो ही करूंगी। और आप सभी यहाँ आए हैं, आप
सभी ने मेरी जो हौसला अफजाई की है उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।